गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दोस्तों अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत मेरा नाम है अविनाश अग्रवाल एंड हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एम दोस्तों दिस इज लेक्चर टू ऑफ द सीरीज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर यू पी एग्जामिनेशन काफ़ी सारे सवाल जो है पिछले सालों के अंदर करंट अफेयर्स में से आए हैं और आगे चलते हुए भी, भी आ सकते हैं तो हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है करंट अफेयर्स की तैयारी स्ट्रॉन्ग रखने से ना केवल प्रीलिम्स के अंदर हमें फायदा होता है बट मेंस के अंदर भी हमें काफी ज्यादा फायदा होता है जो एग्जांपल्स वगैरह देने रहते हैं केस स्टडीज वगैरह देनी रहती है रिसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह बताने रहते हैं वो सारी चीजों को भी हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं जब हम करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इन लेक्चर सीरीज के माध्यम से दोस्तों करंट अफेयर्स आपका बहुत स्ट्रॉग करवाना है रोज आपको हाई क्वालिटी टेन न्यू क्वेश्चन करवाने हैं बाद में आपको उनको रिविजन भी करवा देंगे सारी चीजें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी थ्रू अन अकेडमी यूट्यूब चैनल दोस्तों इफ़ यू कैन हेयर मीफ द ऑडियो इस क्शन सो लेट बिगिन फ्रेंड्सों को वेरी गुड मॉर्निंग सो दिस इज अबाउटमी प्रॉमिस दोस्तों क्या है आपको एक साल का एक्सटेंशन देता है इफ यू डू नॉट क्लियर द एग्जाम इन टू ईयर सब्सक्रिप्शन डू नॉट क्लियर यूपीएससी एग्जाम विद टू ईयर सब्सक्रिप्शन अगर ऐसा सिनारियो आता है तो आपको एक साल का एक्सटेंशन मिलता है यानी कि जो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है आगे का जो एक साल का एक्सटेंशन है वो दिया जाएगा अन अकेडमी द्वारा दिस ऑफर इज एप्लीकेबल टिल सेवेंथ ऑफ जुलाई आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए राइट right? कोशिश तो यही रहेगी कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आया जाए उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर उसी को ध्यान में रखते हुए मेहनत करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड तरीकों से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो ये अन अकेडमी प्रॉमिस आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है उसके अलावा दोस्तों प्रॉमिस वीक के अंदर फ्रॉम फर्स्ट टू सेवेंथ जुलाई हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री एस एस सी प्लस बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन विद एवरी वन ईयर सब्सक्रिप्शन ऑनवर्ड्स कई स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं केवल यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं वो एस एस सी की भी तैयारी करते हैं आरबीआई की भी तैयारी करते हैं तो यदि आप उस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं जो आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं

पत्रोदे पेया लजा लजार एज वेल एज यूशा के बारे में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स को रिवाइज करेंगे जी सेवन के बारे में बात करेंगे कलबेलिया डांस न्यूज में देखा गया है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी न्यूज चली है गिंडी नेशनल पार्क के बारे में हम बात करने वाले हैं एज वेल एज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसका इंडिया पार्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे एक रिसेंट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी दोस्तों लेक्चर वन के भी टॉपिक आपके सामने रखे ये लेक्चर टू है यदि आपने लेक्चर वन नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको लेक्चर वन देखना चाहिए कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना चाहिए बहुत ही लिमिटेड समय का इन्वेस्टमेंट है और टेकअवेज जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉग है जो भी डिस्कस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे जिसका मैंने आपको यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आप टेलीग्राम ऐप में जाइए अन अकेडमी अग्रवाल अन अकेडमी आप टाइप करेंगे तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा मूविंग अहेड दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम भारत नेट प्रोजेक्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं क्वेश्चन थोड़ा -थोड़ा के बारे में बात करी जा रही है ओके इट सी टू प्रोवाइड हाईली स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस टू प्रोवाइड डिमांड टू प्रोवाइड ऑन डिमांड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ टू एमबीपीएस टू ट्वेंटी एमबीपीएस फॉर ऑल हाउस तो क्या टू एमबीपीएस टू ट्वेंटी एमबीपीएस ऑल हाउस बात कर रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की भारत नेट प्रोग्राम डिसाइड कर लीजिए इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं डीओटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है बीस सेकेंड बच्चे आपको अपना आंसर टाइप करना है जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं चाहे लाइव देख रहे हैं चाहे नॉन लाइव देख रहे हैं आपको अपना आंसर टाइप करके भेजने है स्कोर्स टाइप करके भेजने और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने कौन सी कौन सी चीजों को नया लर्न करा है चलिए राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी इज सी सी होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए सी होना चाहिए आंसर भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट सही है गलती है मेरी तो बताना चाहूंगा दोस्तों ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड करा है दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग

एरियाज के अंदर बहुत बेकार है ऐसा नहीं होना चाहिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल देनी है इक्वल एनेबलमेंट सबका करना है इक्वल एम्पावरमेंट सबका करना है आप जानते हैं इंटरनेट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वगैरह के अंदर फंडामेंटल राइट तौर तो के ऊपर कहा गया है तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए उसी फंडामेंटल राइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडिया का नहीं दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जिसे बीबीएनएल इंप्लीमेंट करने लग रहा है दो एमबीपीएस से बीस एमबीपीएस तक का हाउस होल्ड को हमारे को कनेक्शन प्रोवाइड करना है डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं स्टेट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का दो डिपार्टमेंट है उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो इसे इंप्लीमेंट करने लग रहा है इस चीज को आपको नोट करना है दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये पुराना प्रोजेक्ट है पहले इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बाद में हमने इसका नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया है राइट right? उसके अलावा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन भी लॉन्च करा गया है आपको एक होमवर्क मैं ये देना चाहूंगा कि जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है उससे रिलेटेड पांच छह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप आप रिवाइज करेंगे और उसको आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ेंगे अब ये जो अपना भारत नेट प्रोजेक्ट है उसका जो इंप्लीमेंटेशन है दैट इज हैपनिंग थ्रू यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये USUF को एस्टेब्लिश करा गया था कैसे एस्टेब्लिश करा गया था कि इट इज अ पूल ऑफ फंड जनरेटेड बाई फाइव तो यूनिवर्सल सर्विस और वो पैसा जो है इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जमा करा जाता है ये फंड इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दोस्तों राइट और जो भी पैसा इसके अंदर से खर्च होगा उसके अंदर आपको इंडियन पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है अब ये इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बता दी अब पीपीपी मोड में काम करने के फायदे आप देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट फॉर मेंस है क्योंकि पीपीपी जो है आपके जीएस थ्री के अंदर लागू है दोस्तों जीएस थ्री के अंदर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर आप पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल रिसेंट आपको ये वाला देना चाहिए कि गवर्नमेंट ने भारत नेट प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व इसीलिए करा है दोस्तों ताकि हम इंश्योर कर सके कि वी कैन क्रिएट अपग्रेड ऑपरेट मेंटेन एंड यूटिलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर पीपीपी मॉडल की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी है उसका भी फायदा देखने को मिलेगा फास्टर रोल आउट देखने को मिलेगा एज वेल एज हमारे को जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर की एफिशियंसी भी आ जाएगी सरकार का जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है उसको भी हम सक्सेसफुल करवा पाएंगे राइट right? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर सी बनना चाहिए था मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है पढ़ लीजिए रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को न्यूज में देखा गया है नई स्कीम है इसे अप्रूव करा गया है कैबिनेट द्वारा इसी स्कीम के कंपोनेंट है चार आपको बताना है कि जो एबीसीडी ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम स्कीम के चार कंपोनेंट्स है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको जो है जो उनका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का प्रॉब्लम है उसे खत्म करना है उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्कीम को लॉन्च करा गया है राइट right? इसी प्रकार की स्कीम थी उदय स्कीम उसी के प्रकार उदय स्कीम के जैसे ही आपकी रिवैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को हाल फिलहाल में अप्रूव करा गया है उसके चार कंपोनेंट्स हैं आपको बताना है कि कौन सा उनमें से वो कंपोनेंट नहीं है सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने आंसर दे दीजिए आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइब्रिड सोलर सिस्टम दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कीम ये कंपोनेंट नहीं है स्कीम का कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम दोस्तों इसका एम है सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करवाना राइट right? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा डिस्कॉम्स को एक्सक्लूड करा गया है क्वेश्चन बनाएगा तो आपको कह सकता है कि इंक्लूड करा गया है बट देख सेक्टर डिस्कॉम्स को एक्सक्लूड करा गया है तो एसीएस का मतलब है एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ पावर यूनिट एंड एआरआर है एवरेज रिवेन्यू रियलाइज फॉर द पावर यूनिट तो कॉस्ट ऑफ सप्लाई यानी कि जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो पावर खरीदती है तो उसका एक कॉस्ट पे करती है और वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फिर उसी पावर को बेचती है उससे वो रिवेन्यू रियलाइज करती है तो जो ये एसी और ए के गैप है ये क्यों है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सप्लाई ज्यादा है रिवेन्यू रियलाइज कम है क्यों ऐसा है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावर का प्रॉपर रेट कलेक्ट नहीं करती है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा करा तो ऐसा हो सकता है जनरली तो उस स्पीकिंग उसे लोअर रखा जाता है फ्रॉम एसीएस तो उसकी वजह से जो लॉस है वो हमेशा बढ़ते रहता है तो इसी चीज को ध्यान में रखते को हुए को करना है फाइनेंशियल आउटले आप देख सकते हैं दोस्तों कि सेंटर विल प्रोवाइड 97,000 करोड़ रुपीस जो मोटा मोटी तीन लाख करोड़ रुपया रिक्वायर्ड है उसमें सेटर विल प्रोवाइड 97,000 करोड़ और ये भी कंडीशनल फाइनेंस रहने वाला है दोस्तों राइट कि आपको कुछ प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज को मीट करना पड़ेगा आपको अचीव करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको यह पैसा मिलेगा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी जो है आरई एज वेल एज पी है दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस स्कीम के कम्पोनेट दोस्तों चार आपके सामने रख दिए आप प्लीज याद कर लीजिए कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स फीडर्स एग्रीगेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एंड अर्बन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग ये इसके चार कंपोनेंट्स है दोस्तों तो जो हमने हाइब्रिड सोलर की बात करी है दैट इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम सारे कंपोनेंट्स का डिटेल भी आपके सामने रखा है आपको इसको पढ़ना है मूविंग अहेड जितने भी पावर सेक्टर के रिफॉर्म स्कीम्स है कोई भी स्कीम्स हो चाहे फिर वो आपकी आईपीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम हो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना हो इन्हें सभी मर्ज करके जो है इस प्रोग्राम के अंदर लेकर आया जाएगा इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा जाएगा 2025 से 26 तक राइट एंड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करा जाएगा दोस्तों स्टेट वाइज हम प्लानिंग करेंगे और स्टेट वाइज जो है इस प्रकार की स्कीम को लागू करने वाले हैं और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उन्हें भी एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा वो बेनिफिट को हमने यहाँ पर कवर नहीं करा क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स है पूछने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है आपके सामने ये प्रकार का एक इंफोग्राफिक रखा है दोस्तों जिसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में भी बात करी जा रही है राइट right? उसके अलावा इस रि रिवा, स्कीम के बारे में बात करी जा रही है एज वेल well सारा डिटेल आपको यहां पर दे रखा है सो इफ यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ थिंग्स सो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू द डिप्लॉयमेंट ऑफ हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो कि सही लग सकता है वाई बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सोलर सोलर इज रिलेटेड टू रिन्यूएबल रिन्यूएबल के इंडिया के टारगेट्स है अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए तो ये आपको सही लग सकता है दोस्तों बट ये गलत है

कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ध्यान में रखते हुए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए राइट right? आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने को जो है, जो है है थोड़ा सा नंबर इस प्रकार से करण शेट्टी वेरी गुड मॉर्निंग राइट श्रीपद राजा वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सूरज शादान एवरीबडी गुड मॉर्निंग चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन टू एंड फोर दोस्तों आई बी आर डी आई डी एज वेल एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये है जो ये इंस्टीट्यूशन है जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है मैंने आपको बताया दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लोन इंडिया को प्रोवाइड करा है और ये लोन जो प्रोवाइड करा गया है ये वर्ल्ड बैंक की दो इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करा है तो 112 मिलियन डॉलर आई ने दिए हैं 387 मिलियन डॉलर्स आपकी आईबीआरडी ने दिए हैं तो ये जो पांचों इंस्टीट्यूशन है ये पांचों इंस्टीट्यूशन टूगेदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाई जाती है तो जो आईबीआरडी है उसका काम आप नोट कर लीजिए दोस्तों वो लोन्स क्रेडिट्स और ग्रांट्स देती है आई का, का काम क्या है लो या फिर नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करना लो इनकम कंट्रीज को आई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एसेट मैनेजमेंट वगैरह के अंदर हेल्प करती है मीग इंश्योर्स लेंडर एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके अंदर आईसीएसआईडी काम करती है अब इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर किसका किसका है याद कर लीजिए दोस्तों आईबीआरडी आई एज वेल एज आईएफसी का इंडिया फाउंडर मेंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों उसके अलावा ये जो लोन दिया गया है ये साढ़े अठारह साल के अंदर पे करना है इसका ग्रेस पीरियड इयर्स है है इसके माध्यम माध्यम से से इस लोन के से, इंडिया के जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, उसे हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे राइट ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने हमारी बहुत सहायता करी है हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा सहायता करी है कैसे सहायता करी है जो हमारा इमरजेंसी क्रैश ट्रांसफर था उसके अंदर भी हमें पैसा दिया गया था जो हमने एडिशनल फूड राशन प्रोवाइड करे उसके लिए भी हमें पैसा दिया गया था तो यदि आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक का इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर क्या योगदान है क्या उसके अंदर इंडिया वर्ल्ड बैंक का पार्टिसिपेशन है तो ये आपको बताना आना चाहिए इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए दूसरा अगर आपको इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है तो ये प्रकार की टेबल में सारा कंटेंट आपको दिया गया है इसका आपको भरपूर फायदा उठाना है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने आपको पूरा बता दिया है करंट कंटेक्स बता दिया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का रिवीजन करवा दिया है आपको मेंस के अंदर कैसे एग्जांपल्स को यूज करना है वो बता दिया है अगर क्वेश्चन आता है तो एंड ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का क्या डिफरेंशिएशन है वो भी आपको इस वैल्यू एडेड नोट में मिल जाएगा और ये नोट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा अनअकेडमी अंडर स्कोर अविनाश उसका आपको टाइप करना है द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी वन टू एंड फोर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पत्रोड़े लाजार द्राका एज वेल एज यूशा ये टर्म्स न्यूज में देखे गए हैं दोस्तों रिलेटेड टू एनवेमेंट रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर है आपको बताना कि ये क्या है क्या ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टेड बाई ट्राइबल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया है क्या यह ट्रेडिशनल फूड रेसिपीज फ्रॉम द आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्या यह न्यूली डिस्कवर्ड इन्वेजिव स्पीशीज इन इंडिया है या फिर क्या है ये ये आपको डिसाइड करके बताना है दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन चलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी पार्टिसिपेटिंग टू प्लीज शेयर योर आंसर इफ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू डू कंसीडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लेट एस सी वॉट इज द आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन करंट शेटी सिंगर द आंसर शुड बी बी

ओके अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल फूड रेसिपी फ्रॉम सिस्टम ऑफ मेडिसिन सो वॉट द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डन दैट दे हैव क्रिएटेडिकली अ ग्रुपिंग जिसके अंदर दे है उसी के अंदर पतरोडे की बात कर गई है हिंदू के अंदर अगर आपको मैं और भी जो आइटम्स है उनका नाम बताऊं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पेया एज वेल एज लजार द्रका एज वेल एज अमाला की पनाका एज वेल well एज अमला स्क्वाश टकरा यूशा रसाला मेरा प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन बट दीज आइटम्स दीज ट्रेडिशनल रेसिपीज हैव बीन सिलेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ओके दीज ट्रेडिशनल रेसिपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट दे आर अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर इट इज पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशन राइट नाउ इसका एडवांटेज आप समझिए राइट right? ये जो आपका पतरोड़े जिसकी हम बात कर रहे हैं ओके इट इज मेड यूजिंग कलोकासिया लीवस नाउ दीज कलकासिया लीवस आर अवेलेबल इन द मॉनसून सीजन ओके तो जनरली मॉनसून की डिश मानी जाती है नाउ दीज आर आरन रिच सो ये हेमोग्लोबिन के अंदर हेल्प करेगी दे ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन सच एज र्यूमाटॉइड एज वेल एज आर्थराइटिस ऑल्सो हेल्प अस इन गेनिंग विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन सू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड That this is a part of India's culture and it is not just located in any one region. It is present in Maharashtra, Goa, Himachal Pradesh, Gujarat, as well as in Northeast region. So it is available throughout the country. It is practiced throughout the country. So this is very important. Okay, and UPSC has this tendency where they ask you questions, where they ask you questions based on these kinds of terms which you may have never heard of in your life. Okay.

इन करंट अफेयर्स हमने एक न्यूज पढ़ी कि इंडिया इज कम आउट द ग्लेसियर लेक एटलेस उसी ग्लेशियर लेक एटलेस को ध्यान में रखते हुए ये प्रकार के क्वेश्चन को याद करा गया है और इस क्वेश्चन को यहां पर इंसर्ट करा गया है सो बंदर पुंश यमुना बारा शिगरी चेनाब मिलम मंदाकिनी सियाचिन नुबरा जेमू मानस नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें एक मिनट से ज्यादा एग्जाम में वेस्ट हो सकता है पढ़ने के अंदर अंडरस्टैंड करने के अंदर चीजों को याद करने के अंदर अपने आप को कन्विंस करने के अंदर तो आपको जैसे ही आप एक प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे तो आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि क्या मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है या नहीं करना है क्या मुझे ये आता है या नहीं आता है तो अगर आपका मन कहता है कि आपको नहीं आता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम एक मिनट पूरा हो जाएगा दो मिनट पूरे हो जाएंगे और आप डिसाइड करते रह जाएंगे कि क्या होना चाहिए और आता नहीं है तो आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा तो ये प्रकार के लेंदी क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही सोच समझ के आपको उतरना चाहिए राइट सो लेट अस सी व्हाट योर आंसर इज फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन राइट चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने आंसर जरूर शेयर करें ओके फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन द आंसर इज ए ओके इट इज वन टू एंड फोर बांदरपूच इज यमुना इज करेक्ट बारा शिग्री चेनाब इज करेक्ट एंड सियाचिन नुबरा इज करेक्ट ओके कीप दैट इन माइंड नाउ रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये है कि ग्लेशियर लेक एटलेस तैयार करा गया है फॉर गंगा रिवर बेसिन नाउ दिस एटलेस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति Right? और हमने क्या करा है कि जो गंगा रिवर बेसिन के अंदर जो ग्लेशियर लेक्स है उनकी हमने इन्वेंट्री बनाई है उनकी in हमने पूरी रिपोर्ट बनाई है एंड वी हमने ट्रांस बाउंड्री रीजन के अंदर भी एरिया को कवर करा है दिस एटलेट इज अवेलेबल थ्रू एन और नेशनल भुवन पोर्टल तो ये ये भी अपने आप में बहुत है। ये आपका है। आपने बहुत है है आपका आपने कम लोगों ने होमवर्क करा है लेक्चर वन का लेक्चर टू का होमवर्क आपको जरूर करना है जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है उसके बारे में पांच स्टेटमेंट एंड एनएचपी भुवन पोर्टल है पढ़ के कमेंट जरूर करने है यूटिलिटी क्या है इस एटलेस की सबसे ज्यादा यूटिलिटी दोस्तों यह है कि जो भी ग्लेशियर का रिट्रीट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चेंजेस आने लग रहे हैं उन सारी चीजों को स्टडी करने के अंदर यह हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है तो ये एक रेफरेंस प्रकार का डेटा है जो कि मॉनिटर करने में हेल्प करेगा जो भी रिसेंट चेंजेस होने लग रहे हैं तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और डिजास्टर मिटिगेशन के अंदर भी हमें काफी ज्यादा हेल्प पहुंचा सकता है अब अगर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको नोट बनाना चाहिए यहाँ पर दोस्तों बांदरपुंज यमुना रिवर बारह शिगरी चेनाब रिवर मंदाकिनी इज फ्रॉम चोराबारी ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर इज मेजर ग्लेशियर उसका अलग मैटर है और जो जेमू है जेमू इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द ईस्टर्न हिमालय इट इज लोकेटेड ऑन बेस ऑफ कंचनजंगा राइट एंड मानस रिवर इज ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन भूटान एंड इंडिया तो ये प्रकार से आपको सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाल फिलहाल में दोस्तों आप जानते हैं कि G7 की मीटिंग हुई थी राइट right? उसके अलावा G20 के भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी भी मीटिंग हुई थी तो ये जो G7 न्यूज में है G20 भी न्यूज में है आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड कंट्रीज विच आर ऑल अ पार्ट ऑफ जी सेवन जी सेवन ग्रुपिंग का कौन पार्ट है ये ऑप्शन है आपको इसमें से आंसर चुनना है चलिए दोस्तों आंसर बता दीजिए वापस से बताना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको जुड़ना है उस टेलीग्राम चैनल का जो डिटेल है वो यहाँ पर अन अकेडमी अंडर अविनाश अग्रवाल करके मैंने शेयर करा हुआ है इसके थ्रू आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है ओके और उसका जो ये पूरा जो लेक्चर उसका नोट आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपकी एग्जाम और ज्यादा अच्छे तरीके से आप तैयार कर सके उसका भी फायदा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा I would like to inform you friends that today at 7 pm there is a special lecture on an academy platform by me jisme I will be discussing mains related important issues to jo issue analysis hai wo bhi main aapka karwane wala hu special lecture ke andar aapko 7 pm pe judna hai right so the answer to the sixth question is b अच्छा answer दिया है आप ही सब लोग ने चलिए बहुत अच्छा है सिक्स के अंदर B है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों European Union is not a part यहाँ पर आप देख सकते हैं Australia is नॉट अ पार्ट एंड यहाँ पे साउथ कोरिया इज नॉट अ पार्ट so this is what you had to select and your answer is correct over here okay now very important developments have been discussed in the g20 foreign ministers meeting okay so in this meeting our external affairs minister s j shankar has stressed that there should be an institutional multilateralism which is which is not there there should be institutional multilateralism we should ensure vaccine equity we must make sure that vaccine is especially available to poor and developing countries what is the logic why should vaccine equity be there why is vaccine equity important it is important because if vaccines are affordable if I, everybody can access the vaccine right so that will ensure that the deadly variants do not emerge because deadly variant can emerge from any part of the world Right? so if i'm a poor developed country and i do not have access to vaccine and let us say a deadly virus emerges from my locality then it will spread very rapidly through my population and through my population it will spread very rapidly to all other populations across the world right it is very important that everybody should be protected so those who are vulnerable they should be protected because otherwise we will not be able to protect the world because from a very small corner a disease can emerge वॉट आर द इनिशियेटिव क्या इनिशियेटिव लिए गए हैं वैक्सीन इक्विटी इंश्योर करने के लिए कोवैक्स इट इज अ ग्लोबल इनिशियटिव जो कि काम करने लग रहा है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जैसे आपकी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इट इज सप्लाइंग अ लॉट ऑफ वैक्सीन

who is the current president of g20 italy right summit is expected to happen in october 2021 in your exam is also happened expected to happen in october 2021 so you can very clearly see that this is a very important topic for your exam and india is expected to be the president of this G20 grouping in 2023. You have to please understand, you have to remember that there is no permanent secretariat for G20. Keep this in mind. Okay. And European Union is also a part of G20. So this graphic will be of great help to you. Right? Through this graphic, you can very clearly see that G7, G8, and G20 ka mein interlinkage me interlinkage. Okay. So this is what you need to know. Moving ahead to the next question. This is regarding Kalbeliya dance. Ek news emerge with जिसमें बताया जा रहा था कि देर इज एन एप रिलेटेड टू कलबेलिया डांस वेरी वेरी गुड न्यूज ओके सो इसी कलबेलिया डांस के बारे में आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है इट इज एसोसिएटेड विद राजस्थानी ट्राइब ऑफ द सेम नेम इट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इन टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इट इज ओनली परफॉर्म बाय वुमन वाइल मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि दिस डांस इज ओनली परफॉर्म बाय वुमेन तो क्या ये ओनली सही है डिसाइड करना है एंड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट आपको डिसाइड करना है कि वॉट इज द राइट आंसर ओवर हियर चलिए आई होप दैट यूल आर लर्निंग समथिंग राइट प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड वॉट योर एक्सपीरियंस इज राइट आफ्ताब आलम करण शेट्टी रेगुलरली पार्टिसिपेट करना है वी आर कमिंग आउट विद दिस सेशन एट 9 ए एम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे तो आपको 9 ए एम पे जुड़ना है एंड यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कोर अविनाश ओके चलिए लेटे सी वॉट योर आंसर आर फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट करण शेट्टी आपने कहा है कि स्टैंडर्ड इज सुपर थैंक यू थैंक यू वेरी मच करण शेट्टी पांच बजे उठ जाते हैं आपके लिए मेहनत करते हैं राइट ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट चलिए कलबेलिया डांस के बारे में बात करेंगे दोस्तों सो यू कैन सी लर्न कलबेलिया डांस राइट ये एक प्रकार का ऐप है राइट द चेंडाविया करके ऐप है राइट right? तो इस एप के माध्यम से आप लर्न कर सकते हैं इस प्रकार के डांस को ओके okay? नाउ Kalbeliya is basically a tribal community based in Rajasthan. So there is a Rajasthani tribe by the name of Kalbeliya. This dance is a part of intangible cultural heritage since 2010. Third homework that I want to give you is that read the list of intangible cultural heritage, right, and learn. टेन इंपॉर्टेंट कल्चरल हेरिटेजेस फ्रॉम इंडिया जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं थी जस्ट उनका नाम और एसोसिएटेड स्टेट या एसोसिएटेड पीपल आपको याद करना है और उसको आपको कमेंट करना है मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि होमवर्क को करिए आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाएगा राइट जॉयस सेलिब्रेशन के अंदर इस डांस को परफॉर्म करा जाता है परफॉर्म ओनली बाय वुमेन जो मेन है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं ब्लैक स्कर्ट्स के अंदर आप ये फोटो के अंदर देख सकते हैं आर डांसिंग ये इसका अटायर है इस कॉस्ट्यूम को पहन के काम करा जाता है खंजरी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा जाता है राइट प्रोफेशनल स्टेक हैंडलर्स ये कम्युनिटी राइट दे आर पार्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड दे आर मोस्ट प्रीडोमिनेटली लोकेटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान तो ये है सारी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कलबेलिया उसके अलावा इसी बहुत ही शानदार इंफोग्राफिक के अंदर मैंने आपको इंडिया के इनक्रेडिबल डांस फॉर्म्स का पूरा पूरा विवरण यहां पर दिया है आपके लिए बनाया मैं चाहता हूं कि आपको ये नोट मिले इस नोट को पाने के लिए स्टेट वाइज करके आपको याद करना है एक घंटे का काम है एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जो है न्यूज आइटम्स देखने को मिले थे उसी न्यूज आइटम को ध्यान में रखते हुए

टू दिस क्वेश्चन इज वन टूट थ्री हैव शेयर्ड द टेलीग्राम का लिंक प्लीज यूज दट लिंक टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप द आंसर इज वन टू ऑइट थ्री देखिए जो ब्राउन हाइड्रोजन है और जो ग्रे हाइड्रोजन है फ्यूल विथ नो एमिशन कैप्चर्ड ब्राउन और ग्रे को उल्टा कर दिया है बाकी सब बराबर है आप ये ग्राफिक को जरा देख लीजिए स्क्रीन शॉट मार लीजिए ब्लैक हाइड्रोजन मेड यूजिंग कोल ब्लू हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल बट विथ टू एमिशन कैप्चर्ड आपका ये जो है ये वाला जो कलर है ग्रीन ये ग्रीन एमिशन इसको मतलब अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसको मैं क्या कलर बोलूं राइट जो आपको ये वाला ग्रीन है डार्क ग्रीन है ना इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू बोल सकते हैं तो ये जो लाइट ब्लू है दैट इज हीट इज यूज्ड टू स्प्लिट फॉसिल गैस इन अ प्रोसेस नोन एज पायरोलिसिस जो आपका ग्रीन है वो है जनरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रोलिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी राइट right? तो हमने इलेक्ट्रॉलिस के थ्रू रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करा वो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बेस्ट हाइड्रोजन है उसकी वजह से एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा जो आपका ब्राउन हाइड्रोजन दैट इज मेड यूजिंग लिग्नाइट और जो आपका ग्रे हाइड्रोजन दैट इज मेड यूजिंग फॉसिल गैस विद नो एमिशन कैप्चर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों बहुत नई चीज है दोस्तों डाउन टू अर्थ के अंदर अच्छा आर्टिकल छपा था जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन हेडलाइंस के अंदर दे रखा था तो मालूम होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है हेडलाइंस के अंदर दे रखा है तो, तो मालूम ही होना चाहिए राइट right? अब अगर देखें दुनिया भर के अंदर तो ग्रीन हाइड्रोजन जो ऑफ वाटर है तो वाटर भी अवेलेबल है रिन्यूएबल एनर्जी भी इंडिया प्रोड्यूस करवा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू तो बहुत ही तरीके से इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला है दोस्तों वाटर की कमी नहीं रहने वाली है हमारे देश के अंदर आगे चलते हुए एंड सोलर एनर्जी के माध्यम से रिन्यूएबल भी अवेलेबल रहने वाला है एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो लेस देन वन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन है लेकिन जो इरीना है इरीना उसकी जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक है उसमें बताया गया है कि आगे चलते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन विल बिकम कमर्शियली वायबल टेक्नोलॉजिकली फीजेबल राइट उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोलाइजर्स को हमारे को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा तो अगर आप इंटरप्रोनोरियल प्रकार के व्यक्ति हैं और आप कुछ देख रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है आगे चलते हुए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट कौन सा है तो आप इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोच सकते हैं देश को बहुत ज्यादा जरूरत आगे चलकर रहने वाली है राइट right? तो इंडिया इज अ फेवरेबल लोकेशन वाई बिकॉज विंड है तो रिन्यूएबल भी जनरेट कर लेंगे और पानी है हमारे पास तो हाइड्रोजन जनरेट करेंगे और फिर उस हाइड्रोजन को एनर्जी के तौर के ऊपर यूज करेंगे हेवी ड्यूटी लॉन्ग रेंज वजह से क्या होगा हमारा जो है, उसके अंदर कमी आएगी क्योंकि इट विल बी कम्पेरेबल टू हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स बाय 2030 10 साल के अंदर हो जाएगा 2010 में मुझे 2020 बहुत दूर लगता था 2020 में मुझे ऐसा लगता है कि 2030 बहुत नजदीक है दोस्तों राइट तो ये प्रकार की इंडस्ट्रीज के अंदर जो है हम यूज कर पाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन को और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी तो चाहती है कि हम जो है हाइड्रोजन इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करें हमारे कंट्री के अंदर कैबिनेट नोट हमने रिलीज कर रखा है कि हाइड्रोजन इकोसिस्टम कैसे एस्टैब्लिश करें तो उसका जवाब बहुत सिंपल है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को हमारे को बढ़ाना है और जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स है पेट्रोलियम रिफाइनरीज है उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डालना है कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन यूज करना है और इंडिया के अंदर अगर आपको यूपीएससी में पूछे कि ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को कैसे स्टेब्लिश करा जाए तो एक नेशनल टारगेट सेट करना चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइजर बनाकर दो इंसेंटिव प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोलाइजर्स को प्रोड्यूस करवाया जा सके इंप्लीमेंट करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन उसके अलावा ऑप्टिमाइज करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो पूरा पूरा डिटेल आपके सामने यहाँ पर रख दिया है सारी चीजें आपको समझा दी है मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा रोज नाइन एम पे जुड़िएगा और टेलीग्राम चैनल में पार्टिसिपेट करिए आके बहुत मजा आएगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है गिंडी नेशनल पार्क इज टू बी ग्रीन लंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज छोटा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूज में देखा गया दोस्तों ये एट्थ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है गिंडी नेशनल पार्क इंडिया का एट्थ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ये एक लौता नेशनल पार्क है दोस्तों जो कि एक शहर के अंदर पूरा लोकेटेड है ये एक लौता नेशनल पार्क है दोस्तों राइट जो कि आपका पहले ये डियर पार्क माना जाता था और अब इसे हमने नेशनल पार्क का स्टेटस दे रखा है द हिंदू के अंदर इसके बारे में बातचीत छपी थी रिगार्डिंग गिंडी नेशनल पार्क राइट उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आप जानते हैं दोस्तों अर्बन एरियाज के अंदर जो है हीट आइलैंड बन जाता है कंक्रीट जंगल बन चुके हैं गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें अर्बन एरियाज को लिवेबल बनाना है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए अर्बन एरिया के ग्रीन कवर को हमारे को प्रोटेक्ट करना है एज वेल एज रीजनरेट करना है तो जब भी आप अर्बनाइजेशन की बात करें तो गिंडी नेशनल पार्क का एक्साम्पल रख दीजिएगा मेन्स के अंदर दोस्तों द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए चेन्नई चेन्नई के अंदर ये लोकेटेड है दोस्तों देख लीजिए डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है सॉरी हिंदू का नहीं है गिंडी नेशनल पार्क के बारे में डिटेल दे रखा है एट स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क वन ऑफ द वेरी फ्यू नेशनल पार्क लोकेटेड इन द सिटी चेन्नई का इसको ग्रीन लंग माना जाता है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है एक्स सीतु कंजर्वेशन यहां पर प्रैक्टिस करा जाता है एक सीतु और इन सीतु कंजर्वेशन का डिफरेंस बहुत बहुत आसान है दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इन सीतु कंजर्वेशन यानी कि कोई स्पीशीज को उसके घर के अंदर रखते हुए ही उसे प्रोटेक्ट करना जैसे टाइगर को हम जंगल में रखते ही रखते हुए प्रोटेक्ट करते हैं और एक सीतु कंजर्वेशन यानी कि कोई स्पीशीज को एक जो है आर्टिफिशियल होम के अंदर रख के कंजर्व करना आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन को रिवाइज करिएगा ये मैंने आपको मैं अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन करी है आप इसके प्रॉपर डेफिनेशन को रिवाइज करके कमेंट जरूर करिएगा तो ये होगी दोस्तों गिंडी नेशनल पार्क की कहानी यहां पर आपको मोर देन हंड्रेड ईयर ओल्ड जाइगेंटिक बैनियन ट्रीज देखने को मिल सकते हैं बहुत सारे ब्लैक बर्ग स्पॉटेड डियर जकाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं दूसरा एक और वैल्यू एडिशन आपके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तमिलनाडु के सारा सारा मैप के थ्रू आपको दिखा दिया है थ्रूलॉजिकल पार्क गिंडी नेशनल पार्क आपका नेशनल पार्क उसके बाद आपका गल्फ ऑफ मनार मनीर नैशनल, मरीन नेशनल पार्क उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सारी दिखा दी दोस्तों ये नोट आपके लिए बनाया गया है आपको इस नोट को जरूर लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन

तो उसका फंक्शन आपको मालूम होने चाहिए इट एलोकेट्स ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स टेक्निकल स्टैंडर्ड नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी एंड इट ट्राइव टू इंप्रूव एक्सेस टू आईसीटी टू अन सर्व कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है राइट right? चलिए बता दीजिए टेलीग्राम का लिंक वापस से शेयर कर दिया है दोस्तों द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ये नोट आपको टेलीग्राम पे से मिल जाएगा राइट सो इंडिया रैंक समंग टॉप टेन इन आईटीयूज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स तो एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसने रिलीज करा है किसने रिलीज करा है आईटीयू ने रिलीज करा है आपको ये भी पूछ सकता है कि इस इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या है दोस्तों तो ये रह, ये रहे, रहे पैरामीटर्स पांच पैरामीटर्स याद कर लीजिए लीगल मेजर्स टेक्निकल मेजर्स ऑर्गेल मेजर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन तो पांच मेजर्स है ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पांच मेजर्स आपको बता दिए उसके अलावा वो आपको पूछ सकता है कि आई के बारे में बता दो तो बता देंगे यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी आईसीटी वगैरह में काम करती है 1865 में करवाए थे सिक्स में हेडक्वार्टर्स रखवाए थे क्या काम करती है ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम अलॉकेट करती है सेटेलाइट ऑर्बिट अलोकेट करती है टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करती है एक्सेस टू आईसीटी को इंप्रूव करने की कोशिश करती है जो आई काउंसिल है उसका इंडिया पार्ट बन चुका है फॉर फोर ईयर टर्म फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया रिमाइंडर रेगुलर मेंबर सिंस 1952 यानी कि इंडिया फाउंडर मेंबर नहीं है यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बात करनी है कि इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या स्टेप्स लिए हैं तो हमने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ट्वेंटी ट्वेंटी ज वेल एज एटबलिशमेंट ऑफ आई फोर सी एज वेल एज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सर्टिन एज वेल एज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर स्टैब्लिशमेंट एज वेल एस ड्राफ्ट प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन बिल को हमने पार्टि... अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं एज वेल एस इंटरनेट गवर्न फोरम के अंदर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया को साइबर सिक्योर बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों की प्रिलियम एज वे मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका पूरा डिटेल मैंने आपको दे दिया है दोस्तों राइट तो आप देख लीजिए आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी अब आपने लोग सब लोग जल्दी जल्दी अपना स्कोर शेयर करिए कि आउट ऑफ टेन आपने कितने क्वेश्चन मार्क्स में से कितने मार्क्स आपके आए हैं दोस्तों बताना चाहूंगा अन जो है

उसके अलावा आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफर्स वन ईयर प्लानी ट्वेंटी है दस हजार रूपए की उसकी वैल्यू है उस किताब को आपको फ्री में दिया जाने लग रहा है दोस्तों टोटली totally फ्री में आपको दिया जाने लग रहा है ईयर सब्सक्रिप्शन एंड ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा आपको इस किताबों का फायदा होने वाला है यदि किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं एनरोल करने के अंदर तो आपको अन अकेडमी लोन प्रोवाइड करने लग रहा है एट अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल मैनर जीरो प्रोसेसिंग फी जीरो इंटरेस्ट फी अप्रूवल इन टू आवर्स नो हिडन चार्जेस मिनिमल पेपर वर्क फ्लेक्सिबल टेन उसके अलावा संडे को आपको अन अकेडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है और कोशिश करनी है आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देना है अप्लाई कोड अभी यूपीएससी और एनरोल करिए कॉम्बैट टेस्ट के अंदर और और इस टेस्ट को को दीजिए राइट मिनट्स के अंदर सॉल्व करिए आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस मिल सकते हैं अगर आप इस कॉम्बैट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो नया बैच स्टार्ट करा जा रहा है दो हजार इक्कीस बाईस एज एज तेईस के लिए सेवेंथ जुलाई के लिए स्टार्ट करा जाएगा आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत ही अच्छे टीचर्स आपको इन बैचेस के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे आपको इन बैच चीज की बेहतर जानकारी लेनी चाहिए बाय लॉगिंग इन इन टू अन अकेडमी डॉट कॉम वन ईयर सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एज वेल एज टू ईयर बैचेज आर अवेलेबल जिसके अंदर आपको बहुत ही टॉप एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं आपको प्लस मेंबरशिप लेने के बारे में सोचना चाहिए या फिर आइकॉनिक मेंबरशिप लेने के बारे में सोचना चाहिए प्लस में आपको लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी आइकॉनिक के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा पर्सनल गाइडेंस मिलेगी स्टडी प्लानर मिलेगा स्टडी मटेरियल मिलेगा टेस्ट एनालिसिस मिलेगा एक्सपर्ट गाइडलाइंस सारी चीजें आपको मिलने वाली है पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपको किस प्रकार से सब्सक्राइब करना है राइट right? आपको कोड यूज़ डाउट है तो आप लोग शेयर करिए मेरी आपसे वापस गुजारिश है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन होइएगा करण शेट्टी आपने फाइव आउट ऑफ एट स्कोर करा है श्रीपद राजा आपके थ्री फाइव मार्क्स है राइट right? बाकी सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे राइट right? With this, we'll bring this session to an end. Thank you very much. All the very best, and Jai Hind. See you tomorrow at. See you on Monday at nine a.m. Chaliye. Bye bye.